है। और अब बारी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने साल 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। साल 1986 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 1997 के बाई इलेक्शन में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और उसके बाद वो 5 बार गुजरात में विधायक रहे। महत्वपूर्ण मंत्री पद भी उन्होंने गुजरात सरकार में संभाला और उनके करियर का सबसे बड़ा वक्त साल 2014 में तब आया जब सबसे बड़े राज्य हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा की 80 में से 73 सीटें हासिल की। लेकिन इस बार बड़ी चुनौती उनके लिए यूपी ही बनने जा रहा है क्योंकि अमित शाह जी के साथ दिक्कत चेहरे की है। कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे इस मंच पर जो अमित शाह जी से किए जाएंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, सर आप मंच पर आए और साथ ही मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी दबांग को आमंत्रित करूंगी जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मेरे साथ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी। अमित जी, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आएं और अपनी बात शुरू करें। संदीप, मित्रों, आज शिखर सम्मेलन में मुझे निमंत्रित किया गया है और विषय है बदलता हुआ भारत। 17 साल की आजादी के बाद आज हम एक मजबूत लोकतंत्र बनकर, सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर दुनिया के सामने खड़े हैं और मैं मानता हूं कि 2014 का साल भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, और अब कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण साल है क्योंकि 2014 के चुनाव के पहले इस देश में एक ऐसी स्थिति थी, कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक पूरे देश के अंदर अनिश्चितता का माहौल था, जनता बिल्कुल हताशा में घिरी हुई थी। एक क्या होगा इस देश का आगे बढ़कर, ये आशंका जनमानस के अंदर बनी हुई थी। युवा आक्रोशित था, गुस्से में था, निराश था, महिलाएं असुरक्षितता महसूस करती थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी और पहले जो कहा जाता था कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है वो बात को पास्ट बनकर रख दिया गया था। उसी माहौल में 2014 में चुनाव हुए और भारत की जनता ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया, 30 साल के बाद किसी एक दल को निर्णायक बहुमत दिया और हिंदुस्तान में से अनिश्चितता का दौर को समाप्त कर दिया और 30 साल के बाद देश में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत दिया और उसके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र भाई। मैं मानता हूं कि बदलता हुआ भारत अगर देखना है तो 70 साल और ये 25 साल का कंपैरिजन करेंगे तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से बदलाव हुआ है। मित्रों, कोई भी सरकार जब बनती है तब शुरुआत में ही उसकी दिशा तय हो जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार जब अस्तित्व में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई, उसकी पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने का। उसी वक्त इसकी दिशा तय हो गई थी कि ये सरकार किस दिशा में जाने वाली है। और मैं स्मरण कराना चाहूंगा, यूपीए की सरकार पहली बार जब सत्ता में आई, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन जी इसके प्रधानमंत्री थे, उसकी पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव था देश में से पोटा के कानून को निरस्त करना। ये दो उदाहरण है दो सरकार के कैरेक्टर दिखाने के लिए। एक सरकार है
जो तुष्टिकरण की राजनीति के लिए देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया हुआ कानून पहले ही कैबिनेट में निरस्त करती है, और दूसरी एक सरकार है जो देश के अंदर सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव लेकर आती है कि दो साल से सुप्रीम कोर्ट ने कई फटकार लगाने के बाद यूपीए ने जो एसआईटी नहीं बनाई थी वो एसआईटी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार किया। मित्रों, जहां तक बदलाव का सवाल, इस देश में एक बहुत बड़ा शब्द पॉपुलर हुआ है, रिफॉर्म्स। इसका मैं हिंदी करता हूं तो सुधार को रिफॉर्म्स कहते हैं, और रिफॉर्म्स एक फैशनेबल शब्द की तरह लुटियन के गलियारों में घूमता है, मगर मैं मानता हूं मित्रों कि इस देश में जब हम सत्ता पर आए तब और आज भी रिफॉर्म से काम नहीं चलने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन से काम चलने वाला है, बदलाव की जरूरत है। रिफॉर्म्स इस देश को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल बदलाव, सोच में बदलाव, कर्तृत्व में बदलाव, कार्य संस्कृति में बदलाव, ये बदलाव बहुत जरूरी, तभी जाकर देश दुनिया के सामने एक प्रमुख, दुनिया की प्रथम पंक्ति के देशों में एस्टैब्लिश हो सकता है। मित्रों, हमने राजनीति में कई सालों से काम किया है, विचारधारा के आधार पर हमारी पार्टी पड़ी पली बढ़ी, आज देश में सत्ता भी आई है, मगर हमने कभी भी सत्ता को वोट की मशीन बनाने का प्रयास नहीं किया। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि चुनी हुई सरकार जो फैसले लेती है वो फैसले लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले होने चाहिए। लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेना बहुत सरल है क्योंकि इससे वोट बढ़ता है, मगर लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, हो सकता है लोगों को विरोध का भी सामना करना पड़े, मगर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ देश हित में और लोक हित में फैसला लेने का मादा ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करती है। कई बातों में ऐसा किया है, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। किसानों के बारे में हमने कोई पिसमिल पॉलिसी लेकर नहीं चले, एक वेल थॉट सातत्यपूर्ण परिवर्तन आ पाए इस तरह की पॉलिसी लेकर चले हैं। मैं दो तीन चीजें बहुत जल्दी से बताना चाहूंगा। किसानों के लिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड लाया जिससे उनको पूरी वैज्ञानिक जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना सहायता में बढ़ोतरी की, नीम कोटेड यूरिया से पेस्टिसाइड की खपत को भी कम किया और यूरिया की कालाबाजारी को भी कम किया, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान को सुरक्षित करने का काम किया और उसका शोषण न हो इसलिए हम ई मंडी लेकर आए। रोजगारी के क्षेत्र में स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने रोजगारी की कल्पना को बदला है। 70 साल से रोजगारी का मतलब नौकरी होता था, हमने स्वरोजगार, ये रोजगारी का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म और बहुत बड़ा बदलाव, शुरुआत में वो रिफॉर्म के रूप में जाना गया, अब इसका एनालिसिस करते हैं तब मालूम पड़ता है कि कुछ निर्णयों की श्रृंखला ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, वो है एलपीजी गैस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले सरकार ने जनधन बैंक अकाउंट के माध्यम से सारे गरीबों के खाते खोलने का काम किया। देश में 7 करोड़ से ज्यादा आबादी, इनके परिवार में एक भी खाता नहीं था, लगभग 20 करोड़ खाते जनधन अकाउंट के खुले। उसके बाद में हमने गैस की सब्सिडी को सीधा वो अकाउंट में जमा करना शुरू किया। शुरुआत में लगा कि रिफॉर्म्स है, सिर्फ कहने के लिए सुधार है, मगर ऐसा नहीं हुआ। 17,000 करोड़ की सब्सिडी की चोरी होती थी, उसको बचाने का काम ये सीधा सब्सिडी ने जो एलपीजी धारकों के खाते में डाली उससे बचा 17,000 करोड़ रुपया। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को अपील करी कि गिव इट अप, जिनके पास संपन्नता है, जिन पर ईश्वर की मेहरबानी है, वो क्यों सब्सिडी ले, छोड़ दो भैया सब्सिडी आपके गरीब भाई के लिए। और मुझे कहते हुए आनंद है, आज 1,10,00,000 से ज्यादा परिवारों ने अपनी एलपीजी की सब्सिडी छोड़ा है, और 17,000 करोड़ रुपया जो डायरेक्ट सब्सिडी भेजने से बचा, और 1,10,000 करोड़ को ने जो स्वयं सब्सिडी छोड़ी उससे जो पैसा बचा वो पैसा
सरकार की तिजोरी में जमा नहीं हुआ, उसमें से एक नई योजना का आगाज हुआ जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। 5 करोड़ ऐसे गरीब परिवार जो सुदूर देहातों में रहते हैं, जिनके घर धुएं से भरे हैं, जिनके घर में आज भी धुएं से खाना पकाने की व्यवस्था है, वो बूढ़ी माँ कोई गंदी आदत न होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं अपने खाना पकाते पकाते अपने फेफड़े के अंदर भर लेती थी। ऐसे 5 करोड़ परिवारों के घर पर एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का काम किया और मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों, हमने 2019 तक 5 करोड़ का लक्ष्यांक रखा था, आज हम 2016 के अंत में है, 1 करोड़ लोगों के पास गैस पहुंचाने का काम हो चुका है। इसको बदलाव कहते हैं मित्रों। हमने पॉलिटिक्स की दिशा बदलने का प्रयास किया है, परिवारवाद, जातिवाद, संकुचित प्रदेशवाद, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है, हमने राजनीति के अंदर परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है और स्थापित करने का प्रयास हमारा सफल भी हुआ है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, अब झारखंड हो, हर जगह पे बार बार सरकारें चुनकर आती है, वो परफॉर्मेंस के बेस पर आती है और वो सरकारों की आवन जावन बंद होकर आज परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहां पर भी हमने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को हमने एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से कैसे फैसले लिए जाते हैं वो देश की जनता ने देखा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हो, चाहे वो अभी अभी लिया गया नोटबंदी का फैसला हो। मैं मानता हूं मित्रों, जिस व्यक्ति में दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते और हमने एस्टैब्लिश कर दिया, हमने साबित कर दिया है कि देश की जनता ने जिस भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को चुना था, नरेंद्र भाई का नेतृत्व वो भरोसे पर खरा उतरा है। दोनों फैसले, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हो, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, इसने इस देश की दिशा को बदलने का काम किया है। आजाद हुए तब से सभी सरकारें, जितनी सरकारें आई वो सभी सरकारें रक्षा नीति और विदेश नीति के गालमेल से कंफ्यूज थी, रक्षा नीति को विदेश नीति प्रभावित करती थी और विदेश नीति को रक्षा नीति प्रभावित करती थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों को अलग कर दिया, अगर सामने से हमला होता है तो यहां से भी हमला होगा, ये हमारी रक्षा नीति है और हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम सबसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, वो हमारी विदेश नीति है। और उसी तरह से कड़ा फैसला लेकर इस देश में काले धन को और एक पैरेलल इकोनॉमी जो चलती थी ब्लैक मनी की और चल रही है उस पर कड़े से कड़ा प्रहार करने के लिए ये सरकार कृतनिश्चयी है, ये इस डिमोनेटाइजेशन ने सिद्ध कर दिया है मित्रों। आतंकवाद, ड्रग माफिया, नक्सलिज्म, नकली नोटों का कारोबार, काला बाजारी और राजनीति के अंदर काले धन का दुष्प्रभाव, ये सारे चीजों को एक ही स्टेप लेकर एक साथ निरस्त करने का प्रयास किया है और हमारी डेमोक्रेसी को बदलने का हमने प्रयास किया है। सरकार की सोच कैसी हो सकती है वो बताने का हमने प्रयास किया है। विदेश नीति में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, पहली बार देश की जनता ये महसूस कर रही है हम दोयम दर्जे का राष्ट्र नहीं है, हम दुनिया का प्रथम पंक्ति के देशों में से एक देश है, जहां जाते हैं वहां बरोबरी से बात करते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं और हिंदुस्तान के गौरव को अक्षुण रखकर उसकी रक्षा कर बात करते हैं। एक क्षमता भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सभी देशों के साथ बात करते वक्त दुनिया के सामने सिद्ध कर दी है मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। मैं बहुत बड़ी बात, बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, मगर एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, जब 1920-21-1910 का जब समय था तब इस देश में एक प्रकार का असंतोष था, लोग आजादी चाहते थे और वो असंतोष का प्रतीक बने थे तिलक महाराज, उन्होंने कहा था आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और 2013 में ये देश
अपेक्षा देश की बहुत जागृत हुई थी और मैं मानता हूं कि देश की अपेक्षाओं का प्रतीक अगर कोई इस देश की राजनीति में बना है तो नरेंद्र मोदी इस देश की अपेक्षा के प्रतीक है, इस देश के युवा की अपेक्षा के प्रतीक है, किसान की, गरीब की, दलित दबे कुचले की अपेक्षा के प्रतीक है, इस देश की सरहद पर खड़े फौजी की अपेक्षा का प्रतीक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। ये बात हमने सिद्ध कर दी है मित्रों। और मैं दिबांग भाई के लिए एक अंतिम वाक्य बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। पहले चर्चा के एजेंडे में हिंदू मुस्लिम रहता था, अब हमने अमीर गरीब और विकास का एजेंडा सेट किया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। धन्यवाद। अभिजीत, आपको क्या लगता है कि जितने बदलाव आपने किए हैं, और चूंकि बदलता भारत हमारा आज का टॉपिक है, सबसे बड़ा बदलाव जो मौजूदा सरकार ने किया है वो 8 नवंबर की प्रधानमंत्री की घोषणा रही जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है, मगर सबसे बड़ा बदलाव कहना इसलिए उचित नहीं होगा कि हर बदलाव अपने अपने क्षेत्र में एक अलग प्रकार के मायने रखता है। मगर जहां तक इस देश की इकोनॉमी का सवाल है, अर्थतंत्र का सवाल है, मैं मानता हूं आजादी के बाद इसको शुद्ध करने के लिए लिए गए फैसलों में ये सबसे बड़ा कदम है। पर आप कैसे समझते हैं, कैसे निपटेंगे इतनी बड़ी चुनौती से? क्योंकि अगर आप देखें तो 131 करोड़ लोगों का ये देश है। हमारे देश में अगर बैंकों की ब्रांचेस देखें तो केवल 1,30,000 ब्रांचेस हैं। 2/3 आबादी गांवों में रहती है। गांवों में अगर आप देखें तो कुल बैंकों की संख्या 50,000 है। क्या चुनौतियां हैं, कैसे आप इससे पार पाएंगे, इस ये जो बड़ी आपने बदलाव किया उससे? नहीं देखिए दिबांग जी, आप दोनों बातों को मिक्सअप कर रहे हैं। नोटबंदी का फैसला और बहुत सारा ट्रांजेक्शन देश के इकोनॉमी का कैशलेस हो जाए, दो अलग फैसले है। नोटबंदी का फैसला और कैशलेस ट्रांजेक्शन को जोड़िए मत। हालांकि ये दोनों का जुड़ाव एक ही समय पे परिवर्तन हो रहा है इसलिए है, मगर नोटबंदी का फैसला इसलिए लिया गया है कि इस देश की राजनीति के, इस देश के अर्थतंत्र के अंदर काले धन की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, इसको अगर एक झटके से खत्म करना चाहते हैं तो नोटबंदी के अलावे और कोई हमारे पास चारा नहीं था। आतंकवाद, नक्सलवाद, ड्रग माफिया, जाली नोटों का व्यापार, ये सब पर नकेल खसने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। और मैं मानता हूं कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ऐसा बदलाव हो सकता है क्या। और मैं मानता हूं कि जनता ने हमारा बहुत बहुत हृदय से समर्थन किया है, मोदी जी के फैसले को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा के साथ स्वीकार कर इसका सहयोग किया है। आज सुबह वित्त मंत्री जी ने कहा कि कुल मिलाकर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देखे जाएं तो वो करीब 80 करोड़ हैं, 45 करोड़ उनमें एक्टिव हैं, और अगर आप देखें तो देश में कुल 25 करोड़ परिवार हैं। और ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर न मीडिया की नज़र गई, न जो नेता लोग हैं दूसरे दलों के, उन्होंने इस चीज़ को देखा। कहाँ तक सहमत हैं और ये बदलाव हो कैसे रहा है? देखिए, आप सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ई बैंकिंग तक सीमित मत रहिए। जमाना आ गया है जितने आधार कार्ड है उसको आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में तब्दील कर सकते हो। आधार कार्ड की संख्या बहुत बड़ी है, हर गरीब के पास है। जमाना आ गया है जितने भी स्मार्ट मोबाइल हो या सीधे साधे गरीब के पास जो मोबाइल है, वो स्मार्टफोन हो या सीधे साधे फोन हो, वो भी अब ई बटवे में परिवर्तित हो सकते हैं, ई वॉलेट में परिवर्तित हो सकते हैं। तो मैं मानता हूं इसको सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के दायरे में अगर देखकर रहेंगे तो आपको इस समस्या का समाधान समझ में नहीं आएगा, उससे एक स्टेज आगे जाकर सोचना पड़ेगा। जी अमित जी, इसमें चूंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए शायद ये सही भी है आपके लिए सवाल, कि एक बहुत बड़ा वर्ग वोटरों का जो लगातार ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से आपकी पार्टी का समर्थन करता रहा, जो कच्चे पक्के जो खाते हैं उनमें विश्वास करता रहा, वो आज परेशान है कुछ, उनको आज आप इस मंच से उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे,
उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उनको कहने के लिए इस मंच की जरूरत नहीं है, मेरा संवाद हर रोज होता है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं भैया, मीडिया के माध्यम से ही बात करूंगा तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा दिबांग जी, मैं भी लुटियन का नेता बन जाऊंगा। मैं सीधी बात करता हूं हमारी देश के कोने कोने में जाकर, और आप जो कह रहे हैं कच्चा पक्का व्यापार ये वो भी, वो व्यापारी को भी पसंद नहीं है, मगर उसके पास विकल्प नहीं थे। अब हम विकल्प दे रहे हैं, हम उसको हिम्मत दे रहे हैं। ज्यादातर कच्चा पक्का व्यापार इसलिए करना पड़ता था कि कोई एक करता है तो दूसरे को स्पर्धा में करना पड़ता है, वरना उसका धंधा नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि भैया तुझे सच्चा व्यापार करना है, तू डटा रहे, हम किसी को नहीं करने देंगे, तुझे सुरक्षा देंगे, तू सच्चा है, तेरे पीछे सरकार खड़ी है, यही सरकार का रूप। इस पर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, उस पर लेकर क्या आपको कोई चिंता है? उन्होंने कहा कि GDP यानी जो विकास दर है उस पर असर होगा, और वो कह रहे हैं कि 2% कम हो जाएगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मैं आपको कम करके बता रहा हूं। देखिए, मनमोहन सिंह जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कहा उस पर मैं टिप्पणी बाद में करूंगा, मगर मैं उनसे उनके बारे में एक बात मेरे मन में बहुत समय से समझ में नहीं आती थी, आज मैं आपने पूछ लिया है तो सबके सामने बताता हूं। मनमोहन सिंह जी 1975-76 से किसी न किसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे, चाहे वो वित्त सचिव हो, चाहे नीति आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री के सलाहकार हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। मैं इतना पूछना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी से, श्रीमान आज तो आप ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर 75 से इस देश की अर्थव्यवस्था के निर्णायक सर्कल के अंदर आप हैं, आपके इतने साल के कामकाज के बाद इस देश की जनता के 60 करोड़ लोगों के घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है श्रीमान मनमोहन सिंह जी बताएंगे? अगर ये अव्यवस्था बनी है और इसके लिए कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो जिन लोगों ने इतने लंबे सालों तक अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है वो है। हम तो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं जी, और क्योंकि काम कठिन है तो शुरू ही न करो, ये कहां का सोच है? हम ये सोच को नहीं पाटते हैं, कठिन काम है तो सबसे पहले शुरू करो, हौसले के साथ आगे बढ़ो, ज्यादा परिश्रम करो और समाप्त करो जी। और हमें भरोसा है कि ये हो जाएगा, बहुत भरोसा है जी। कि ये हो जाएगा, और देश ने भी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जो भरोसा करा है आज भरोसा क्षुण है, इतना विपक्ष के उकसावे के बाद भी, इतने उकसावे के बाद भी। अभी विपक्ष के नेताओं के मैं मुंह देखता हूं, इतने लाल तो मैंने चुनाव में भी नहीं देखे थे, न मालूम क्या चला गया है, मालूम नहीं पड़ता लाल या सफेद, लाल लाल है भाई, गुस्से से, ये क्या हो गया? इसके बावजूद भी आज जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ी है, नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखकर खड़ी। और ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि 40-50 दिन तकलीफ पड़ सकती है, हो सकती है, 70 साल की जो बीमारी है वो अगर 50 दिन में कोई व्यक्ति ठीक कर दे देता है तो मैं मानता हूं देश का गरीब अमीर व्यापारी किसान सब ये बीमारी दूर करने के साथ है। और 50 दिन पहले से मोदी जी ने 8 नवंबर को ही देश को अपने वायु प्रवचन में कहा था, और ये 70 साल की बीमारी है। दिबांग जी आप मुझे बताइए, कई सालों से इस देश का विकास के खर्चे के लिए जो बजट होता है, प्लान बजट होता है, वो 4,20,000 करोड़ से 4,90,000 करोड़ के बीच में अटका हुआ है, और ये सारा बजट तय है कि इसमें से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बननी है, इसमें से बच्चों की फीस जानी है, इसमें से स्वास्थ्य सेवाएं होनी है, इतना पैसा सेना के खर्चे में जाना, ये सब तय है, कोई लिबर्टी नहीं है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। और अगर हम बनना चाहते हैं, देश के हर गरीब के घर में शौचालय भेजना चाहते हैं, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाना चाहते हैं, हर गरीब के घर में फ्लोराइड मुक्त पानी पहुंचाना चाहते हैं, हर गांव को सड़क से जुड़ना चाहते हैं, हर किसान को उसकी उपज के भाव ठीक मिले इसलिए ई मंडी बनाना चाहते हैं, दुनिया में सबसे आधुनिक सेना हिंदुस्तान की हो ऐसी सेना बनाने चाहते हैं, दुनिया के
अवकाश से क्षेत्र में हर तीसरा उपग्रह हिंदुस्तान का हो, ऐसा हिंदुस्तान अगर हम चाहते हैं, हम महान देश चाहते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर 50 क्लस्टर बनाकर देश भर के पेटर्न हिंदुस्तान के बच्चों के नाम पर करना चाहते हो, पैसा कहां से आएगा? जब तक पैरेलल इकोनॉमी की ये दूषण को हम हमारी अर्थव्यवस्था से समाप्त नहीं कर सकते, ये देश बढ़ नहीं सकता। इस देश को बढ़ाना है, हम देश चलाने के लिए नहीं आए। बहुत लोगों ने 70 साल तक देश को चला लिया, हम चलाने के लिए नहीं आए हैं, सुधारने के लिए और बढ़ाने के लिए आए हैं। और इसलिए कठोर कदम की जरूरत पड़ेगी और वो हमने लिए हैं। और मुझे भरोसा है, देश का युवा भी चाहता है कि दुनिया में जितने भी पैटर्न हो हिंदुस्तान के युवा के नाम पर हो, सबसे ज्यादा पैटर्न। देश का युवा भी चाहता है सबसे सुरक्षित देश अगर कोई बने तो हिंदुस्तान बने। देश का युवा भी चाहता है कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ने वाला देश हम हो। और इस बदलाव के लिए बजट को और इकोनॉमी को दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब काले धन पर निष्ठुरता से, निर्दयता से वार कर उसको समाप्त कर दिया जाए और गरीबों को, गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। आपने कहा कि आप बाद में बताएंगे कि वो 2% वाली बात आप बाद में रखेंगे। जी देखिए, मनमोहन सिंह जी ने किस कंप्यूटर में गणित गिना है मैं नहीं जानता, मगर स्वाभाविक है कि पैरेलल इकोनॉमी को एक साथ रूथलेसली अगर हम बंद करते हैं और एक बहुत बड़ा परिवर्तन अर्थतंत्र के लिए करते हैं तो हो सकता है एक आध क्वार्टर इधर उधर आए। मगर मनमोहन सिंह जी को मैं ये पूछना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी, आपने तो कोई इतना बड़ा बदलाव किया नहीं था, ना आपके पास इसका अधिकार था, अधिकार तो था नहीं उनके पास, फिर भी अटल जी जो 8% ग्रोथ रेट लेकर गए थे वो आपने 4 क्यों कर दी भैया, इसका तो हिसाब दो। हमने तो आपकी 4 को 7.6 कर दिया, 0.5% 1% कम भी हो गया तो फिर से बढ़ा लेंगे। इसमें मनमोहन सिंह को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको देश को इस बात का जवाब देना है कि 8% पर ग्रोथ रेट अटल जी छोड़कर गए थे, आप 4% पर कैसे कर दिए कोई बदलाव करे बगैर। पर एक तो गड़बड़ की अमित जी, आपने एक तो गड़बड़ की, आपने सारे विरोधी अलग अलग थे, सब एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे, और अब तो ये भी तय हो रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं साहब नीतीश नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठा मलट्ठा वाली बात हो रही है। तो ये तो आपने ये काम तो किया, बड़ी मदद की आपने उनकी। नहीं अभी समय नहीं आया है, 19 आएगा तो ये भी नहीं दिखाई पड़ेगा समय कहाँ है दीवान जी अभी। पर एक जो गंभीर बात है वो ये है अमित शाह जी, कि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं आज, जिनको शादी है, घर में और कार्यक्रम है, उपक्रम है, पैसे देने अपने, वो जो घर में लोग काम करते हैं उनको, बीमार है उनको पैसे निकाल रहे हैं, उनको जो परेशानी हो रही है, उनसे आज आप इस मंच से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी परेशानियों से देश के प्रधानमंत्री, देश की सारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ संवेदना के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको परेशानी हो रही, उनकी परेशानी देखकर हमको भी परेशानी हो रही है, मगर सबसे ज्यादा फायदा इस नोटबंदी का अगर किसी को होने वाला है तो मैं आज इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग लाइन में खड़े रहे हैं उनको ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जब इसका पूरा बदलाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होगा तो इस देश का गरीब होगा, इस देश का युवा होगा, इस देश का किसान होगा। जो आज तकलीफ भोग रहे हैं वो ही सबसे ज्यादा फायदा पाने वाले हैं, इतना मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। इसमें आप कुछ और खुलासा करना चाहेंगे कि किस तरीके से ये फायदा होगा? हमारे लिए बड़ी खबर बनेगी कि अमित शाह ने बताया ये रास्ता है दीवान जी आपकी टीआरपी मेंटेन करना मेरा काम नहीं है, मगर और सरकार के फैसले मैं नहीं लेता, प्रधानमंत्री जी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही उद्बोधन में स्पष्ट कहा है, और सरकार जब विधेयक आई लेकर आई तब वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि इससे जितना भी बचाव होगा, जितना भी बचत होगा, वो सभी का सभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं में
यूज होगा, तो स्वाभाविक है इसका बेनिफिशियरी गांव होगा, किसान होगा, गरीब होगा। जी, ये आप गांव और किसान की बात कर रहे हैं, वो उस पर मैं बाद में आऊंगा, मैं इस समय मोनेटाइजेशन पर ही रहना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक रूप से इसका कोई असर पड़ेगा, या आप समझते हैं कि आप राजनीतिक इसमें देखते ही नहीं हैं, और अगर आप एक अच्छा कदम उठा रहे हैं तो उसमें राजनीति क्यों नहीं देखनी चाहिए, अगर सबका उसमें लाभ हो रहा है तो? देखिए, राजनीति नहीं देखनी चाहिए ऐसा मेरा कहना नहीं है जी, मगर फैसला लेते वक्त राजनीति नहीं देखनी चाहिए। फैसला लेते वक्त फैसला देश के लिए और लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है, एकमात्र क्राइटेरिया होना चाहिए, और हमने जो फैसला लिया है उसको एक्सप्लेन करने का, उसको लोगों को तक ले जाने का, उसको लोगों को समझाने का हमारे पास काडर भी है और नेतृत्व भी है। हमारे नेता में लोगों का विश्वास है, हमने जो फैसला लिया है लोग उसके साथ खड़े हैं। इतने दिन के बाद भी, तकलीफ सहन करने के बाद भी, आप लोगों के उकसाने के बाद भी लोग जरा भी इस फैसले से डिगे नहीं है। देखिए, आप हंस देते हैं, इतना सरल हंस देते हैं, नहीं सुनिए ना, अब मैं थोड़ा बोल ही लेता हूं। आप हंस देते हैं, मैंने कहा उकसाने के बाद। मैं कल एक कार्यक्रम देख रहा था एबीपी न्यूज का ही, कि पेट्रोल पंप कर अगर मोबाइल से ई बटवा होगा तो आग लग सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर थी, जो भी थी दिखाई एबीपी न्यूज ने। आज आपका गाड़ी खड़ा रहता है तो आप फोन पे बात करते हैं या नहीं करते हैं? पेट्रोल पंप पर, बिल्कुल। कितने पेट्रोल पंप पर आग लग गई भैया? तो ई बटवे में ट्रांसफर करो या बात करो, क्या फर्क पड़ जाएगा? इसको उकसाना कहते हैं दीवान। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर। पर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने ये कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप प्रचार प्रसार में बहुत सक्षम पार्टी हैं, पर मैं पूछ रहा हूं अमित शाह जी। नहीं सर, मेरी एक तो आधा तो आ ही गया, उसका जवाब दे दूं मैं। प्रचार प्रसार में हम सक्षम नहीं है, हमारा मटेरियल स्ट्रांग है, सच्चा है, इसलिए लोग ज्यादा मानते हैं। प्रचार प्रसार हमको आता होता तो क्या चाहिए था भाई, हमके तो प्रचार प्रसार आता ही नहीं, मगर बात में सच्चाई ज्यादा है इसलिए स्वीकृति ज्यादा होती है। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अपना सवाल कंटिन्यू कर रहा हूं कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब कहा उनका किसानों पर असर पड़ेगा, विपक्ष लगातार हल्ला कर रहा है कि रवि की बुआई चल रही है और रवि की बुआई पर असर पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आपकी सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछली बार जो रबी की बुआई हुई वो 313 लाख हेक्टेयर हुई, इस साल वो बुआई अभी तो बाकी है 327 लाख हेक्टेयर। मतलब आप अभी को देखें तो 14 लाख हेक्टेयर अभी भी ज्यादा हो चुकी है, पर इसका प्रचार प्रसार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि किसान को मालूम है मेरे खेत में बुआई हो चुकी है। लोग परस्पर सहयोग कर रहे हैं, खाद वाले ने खाद दिया है, बीज वाले ने बीज दिया है, कोऑपरेटिव स्टोरों ने किसान को क्रेडिट बढ़ाया है, नाबार्ड ने 21,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। अब किसी के कहने से क्या फर्क पड़ जाता है भैया? जब जीडीपी का आंकड़ा बनेगा और जब एग्रीकल्चर में -2 वाले प्रधानमंत्री जब कहेंगे और यहां +2 होएगा तो जनता जान ही जाएगी कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के समय में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेगेटिव था और एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के समय में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आगे। एक जिस तरह के कदम आपकी सरकार उठा रही है, यानी हम जनधन योजना की बात करें, हम देखें जिस तरह से गैस दी गई जिसका आपने उल्लेख भी किया अपने भाषण में, एक तरीके से देखें तो जो भगवा है उसके साथ आप लाल को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसको देख सकते हैं अगर इस रंगों के हिसाब से देखें तो? देखिए दिबांग जी, मुझे लगता है कि आपका देश की राजनीति के, राजनीतिक दलों के सिद्धांतों का अभ्यास बहुत निर्बल है। जब से 1950 से भारतीय जनसंघ बना तब से हम अंत्योदय की बात को लेकर चले हैं, और अंत्योदय की बात को गांधी जी के बाद अगर किसी एक पार्टी ने सातत्यपूर्ण तरीके से 1950 से लेकर 2017-16 तक उठाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अंत्योदय का मतलब होता है विकास की लाइन में, विकास की कतार में जो अंतिम खड़ा है उसका उदय कर पहले के समकक्ष करना। तो ये सारी बातें हमारी जो
सरकार की प्रकाश में आ रही हैं, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे धन जन हो, चाहे जन धन हो, चाहे मुद्रा बैंक योजना हो, ये सारा नरेंद्र मोदी सरकार अंत्योदय के कार्यक्रम के तहत गरीब कल्याण के एजेंडे को लेकर कर रहा है। और ये साल दीनदयाल जन्म शताब्दी का साल है। भारत सरकार ने प्रस्ताव किया है कि इस साल को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाएंगे, और मैं मानता हूं कि ये नोटबंदी का फैसला गरीब कल्याण वर्ष का सबसे बड़ा कदम गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए होने वाला है। अमित जी, ये जो बड़े चुनाव एक होने वाले हैं, जो विधानसभा चुनाव होंगे यूपी में, आपको क्या लगता है उसमें इस नोटबंदी का कितना असर रहेगा उन चुनावों में? क्या बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है? जी, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और विपक्ष को मालूम भी पड़ गया है। वो चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही है वो दिखाई देता है कि चुनाव पर पॉजिटिव असर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है। और नोटबंदी के फैसले के बाद देश में जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुए, जिन जिन राज्यों में स्थानीय इकाई के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से जीतकर बाहर आई। जी, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा रहेगा, और क्या ये अगले जो बड़े चुनाव होने वाले हैं उस तक तब तक रहेगा? ये आप लोगों पर निर्भर करता है। आप जितना चलाओगे इतना चलेगा भैया, हमें नुकसान नहीं है। और ये कब तक आपको लगता है कि जो स्थिति है ये एक तरीके से सामान्य होती हो जाएगी? स्थिति सामान्य होने की शुरुआत तो हो ही गई है, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कहा है 50 दिन तक थोड़ा बहुत उथल पुथल और थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, और मैं मानता हूं कि 50 दिन तक देखना चाहिए, स्थिति सामान्य होने लगी है अभी। पर 50 दिन से ज्यादा का भी समय लग सकता है? या देखिए, मैं नहीं सकते, भविष्यवेत्ता भी नहीं हूं और मनमोहन सिंह जी की तरह अर्थशास्त्री भी नहीं जी। हमारा एक आकलन है कि 50 दिन में ठीक होगा, देखते हैं आगे क्या होता है, मगर स्थिति जल्दी ही सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रही है जी। ये कई सवाल आए हैं, और उनमें एक सवाल है कि कपिल सिब्बल ने कहा है कि डीमोनेटाइजेशन मुस्लिम विरोधी है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये भरत शर्मा का सवाल है भैया, ऐसी बात पर मेरी टिप्पणी क्यों कराते हो? क्या समझ के कह देते हैं नेता ऐसा, वो तो आपको बताना चाहिए। पर ये जो एक बड़ा बदलाव जो और देखा, क्योंकि हम बदलाव के मुद्दे पर हैं अमित जी, वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात रही, उसको आप कैसे देखते हैं और उसका किस तरह का असर पड़ा देश की मानसिकता पर? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को सीधे तौर पर राजनीतिक दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। निश्चित रूप से नेतृत्व की राजनीतिक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण फैसला हुआ, और बाद में सेना के शौर्य के कारण ये फैसले को अंजाम तक ले जाया गया, और पहली बार आजादी के बाद निर्णय करकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में जाकर भारत की सेनाओं ने आतंकवादियों पर कार्रवाई करी है। मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम है, और इससे न केवल हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी, दुनिया भर में बैठा हुआ भारतीय मूल का लोग जहां पर भी बैठे हैं, वो आज गर्व के साथ एक ताकतवर देश का नागरिक होने का एहसास कर रहे हैं, और गर्व से साथ कह रहे हैं कि एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमाओं की सुरक्षा दृढ़ता के साथ कर सकती है। पूरा देश इस फैसले को गौरव के साथ मान सकता है। अभी जी, इसमें जब भी बात होती है, और इस पर हम लोग काफी एबीपी न्यूज पर कवरेज रहती है, जो शहीद होते हैं, मैं राघवेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं, ये शहीद हुए अभी नगरोटा में जो कांड हुआ, पूरे गांव ने खाना नहीं खाया, वो 20 दिन पहले ही घर वापस गए थे, सीमा पर कह रहे हैं मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, वो लौट के नहीं आएंगे। पिताजी कह रहे हैं उनके कि मुझे गर्व है कि बेटा शहीद हुआ देश के लिए। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से, कि जब इस तरह का मौका हो तो वो वहां पर जाएं, उनकी उपस्थिति हो, एक ये लगे कि पूरा देश आपके साथ है, ये भाव आए?
ये मैं हर बार सोचता हूं जब भी मैं इस तरह की कहानियां देखता हूं। दीवान जी, हर राजनीतिक दल के लोग शहीदों के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, नेता भी पहुंचते, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के सभी राजनीतिक दलों के नेता, और इसमें पहुंचना भी चाहिए। इसमें कोई मतलब सबने पहुंचना चाहिए, क्यों राजनीतिक दल, सबने पहुंचना चाहिए और शहीदों के परिवार के साथ इस दुख के समय पे खड़ा रहना चाहिए। मैं मानता हूं इसमें कोई हमारे देश में एक कोई खामी है ऐसा मेरी तो नजर में नहीं, सब जगह पे जाते हैं लोग। ये कर्नल रघुवीर सिंह हैं रिटायर्ड, और ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलती है 20 साल की सर्विस के बाद, लेकिन जो एमपी और एमएलएज हैं उनको एक टर्म के बाद इस तरह की पेंशन मिलने लगती है, ये कहां तक उचित है? देखिए, पहली बात तो जो पेंशन मिलती है उसका अनुपात गवर्नमेंट सर्वेंट के जितना नहीं होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पेंशन नहीं है रिटायर्ड मतलब एक्स एमएलए वगैरह को, और वो कोई भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, गुजरात में है ही नहीं, कोई भी पार्टी की सरकारों कभी नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है। मगर इस तरह का कंपेरिजन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि दोनों की पेंशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक जो आपके विपक्षी जो आप जो कदम उठाते हैं उस पर ये आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ असदुद्दीन ओवैसी सुबह थे, कि आप हर बात पर नेशनलिज्म ले आते हैं, राष्ट्रवाद की बात आप करने लग जाते हैं, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? आरोप में मैं तो स्वागत करता हूँ इस आरोप का, नेशनलिज्म हर बात में होना ही चाहिए, हर बात में नेशनलिस्ट सोच तो होनी चाहिए। अगर किसने, कांग्रेस ने आरोप लगाया? नहीं, ये ओवैसी जी ने लगाया। हाँ, तो ओवैसी जी का तो खैर उसमें उनका दोष नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि हर पार्टी इस तरह से सोचे। हाँ। तो इसमें क्या किसी को दिक्कत होती है? नेशनलिस्ट सोच से क्या दिक्कत हो सकती है? जी, ओवैसी जी का एक और मुद्दा है ट्रिपल तलाक का, उस पर आजकल काफी चर्चा भी है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट कर दी है। इस देश के संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिया है वो सभी महिलाओं को दिया है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जहां तक ट्रिपल तलाक की धार्मिक मान्यताओं का जिक्र करने वाले और उस पर पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का सवाल है, जो आपके सवाल का मूल उद्देश्य है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, इराक, ईरान, अरे इराक, इजिप्ट, ऐसे 21 देशों में ट्रिपल तलाक की व्यवस्था नहीं है। जो घोषित इस्लामिक स्टेट है वहां पर भी ट्रिपल तलाक नहीं है। तो ये लोग जो वकालत करते हैं, तो वो देश क्या इस्लाम को नहीं मानते हैं? जी, हमारा प्रयास यह है कि इस देश की हर महिला को संविधान ने जो अधिकार मिला है वो मिले, मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अमित जी, बहुत कम आपको मैंने बोलते हुए सुना, मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे जब आप अपने बारे में बात करते हैं। 13 साल की उम्र में आप आरएसएस में शामिल हो गए, 2.5 साल से अब आप दिल्ली में हैं, एक तरीके से दिल्ली वाले हो गए आप। क्या 2.5 साल में आपने बदलाव देखे खुद में? किस तरह की चीजें आपने देखी दिल्ली में? क्या असर रहा आपका ये? मुझ में तो कोई बहुत ज्यादा बदलाव हुए नहीं, मैं तो वैसा ही हूं, मगर दिल्ली की पॉलिटिक्स को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी एक ही टिप्पणी है जी, जो दिल्ली का एक वर्ग है उसने देश के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए, उनको गांव में जाना चाहिए, देहात, देश के नजदीक जाने का। और आपने क्या बदलाव देखे? ठीक है, सरकार काफी सारे परिवर्तन कर रही है, अंततोगत्वा दिल्ली में भी परिवर्तन आएगा ही आएगा, और ऐसे कोई बहुत बदलाव कोई शहर के बारे में कहना ठीक भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आप बहुत करीब से जानते हैं, काफी लंबे समय से जानते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी में आपने किस तरह की नई चीजें, नए आयाम उनके खुले एक तरीके से उस पद पर आने के बाद, 2.5 सालों में क्या बदलाव? देखिए, मेहनत करना बहुत बड़ा दिया है उन्होंने,
पहले करते थे उससे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ये बदलाव तो मैंने निश्चित रूप से देखा है। आप अध्यक्ष के रूप में जब काम करते हैं, मैं देख रहा था आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपने कहा कि मेरे लिए एक बड़ी चुनौती रहती है कि चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको प्रेरणा दूं कि वो काम करें। एक आपने कहा कि धैर्य का बहुत मूल्य है, इसके अलावा और अध्यक्ष के रूप में आपको क्या लगा राष्ट्रीय पार्टी के एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पर जब आप बात कर रहे हैं? जो मेरे कोटेशन को कोट कर रहे हैं उसमें आधा है जी, मैं बहुत ज्यादा काम कर मेरे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को प्रेरणा देना चाहता हूं कि बहुत काम करना चाहिए। प्रेरणा भाषण से नहीं, मेरा पूरा वाक्य ऐसा था। खैर, मगर भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, हमारा आंतरिक लोकतंत्र आज भी सलामत है, कार्यकर्ता की यहां पूछ है, और तभी तो जाकर देश के गरीब से गरीब घर में से एक व्यक्ति उठकर अपनी क्षमताओं के आधार पर, पार्टी की विचारधारा के आधार पर और पार्टी के संगठन के आधार पर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरे जैसा छोटा सा एक बूथ का कार्यकर्ता देश का इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मुझे बहुत गौरव है कि कम से कम 1650 पार्टियों के ये पूरे दलों के अंदर एक हमारा दल ऐसा है जहां आंतरिक लोकतंत्र आज भी बना है और आज भी हम विचारधारा के आधार पर चलने का प्रयास करते हैं। मैं जी, कभी आपको ये लोग तो कहते होंगे, आप इसको कैसे देखते हैं कि आप देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, यानी हर फैसला चाहे वो पार्टी में हो सरकार में हो उसमें आपकी एक राय रहती है, आपका एक मत रहता है? देखिए, मैं इसके बारे में कोई ज्यादा इसलिए चिंतित नहीं होता कि ये सच नहीं है। सच नहीं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले होते हैं, मेरी एक टीम होती है, वो टीम सोच साच कर एक प्रपोजल बनाकर रखती है, बाद में पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर सामूहिक फैसले करता है। हमारी पार्टी में शुरू से प्रक्रिया रही है और आज भी ये प्रक्रिया बरकरार है, और मैं तो चाहता हूं कि सालों तक ये प्रक्रिया बरकरार रहे। एक चीज जो दिखाई देती है, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। आपने दिल्ली में एक बिहारी को बना दिया, आपने बिहार में एक यादव को बना दिया, आपने महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने एक नॉन ट्राइबल को बना दिया जहां पर पहले होता नहीं था, आपने हरियाणा में एक पंजाबी को बना दिया, ये क्या है, ये इसको कैसे समझें? नहीं देखिए, आप हर चीज को जाति और धर्म के साथ जोड़कर देखने की आदत पड़ी हुई है सब लोगों को। हम कार्यकर्ता का चरित्र और मेरिट्स और मेहनत करने की क्षमता देखकर फैसला लेते हैं, इसलिए कुछ फैसले आपको पॉलिटिकल विजडम वाले नहीं लगते होंगे, मगर सफल हो रहे हैं। अब ये आगे चलें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप ऐसा लगता है कि आप इसमें बीएसपी को कम करके आंकते हैं, या जो आप कहते हैं उसमें ऐसा लगता है कि बीएसपी को आप तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, इसकी क्या रणनीति है, इसकी क्या वजह है, क्या सोच? रणनीति नहीं है, मैं कुछ मानता है सच भी नहीं है। मेरे सामने हमेशा सवाल ऐसे आता है कि आपकी स्पर्धा किससे है, तो मैं आज भी कहता हूं दिबांग भाई कि हमारी स्पर्धा समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि बीएसपी कितने भी मतभेद होने के बावजूद एक जमाने में बीएसपी वैचारिक आंदोलन था। आज मायावती जी के भ्रष्टाचार के कारण बीएसपी वैचारिक आंदोलन नहीं रह गया है, उसमें बिखराव आया है, इसलिए बीएसपी की स्ट्रेंथ जमीन पर टूटी हुई है, वरना बीएसपी की लोकसभा में शून्य सीट न आती। मुझे तो आश्चर्य ये बात का है कि लोकसभा में शून्य सीट आने के बाद आपको बीएसपी कैसे स्पर्धा में दिखती है। आपको ये आश्चर्य हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों रहा, मैं आपको पूछता हूं कि आपको कैसे स्पर्धा में दिखती है, जिस पार्टी का लोकसभा में शून्य सीट आया वो यूपी में स्पर्धा में कैसे रहेगी? आप समाजवादी पार्टी से स्पर्धा मानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि समाजवादी पार्टी की आपको स्ट्रेंथ क्या लगती है और कमजोरी क्या लगती है? नेताजी का नेतृत्व निश्चित रूप से उनका स्ट्रेंथ है, और 15 सालों में से 10 साल जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सरकार चलाई है, इसका एक ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी बना है जो किसी भी हालत में
समाजवादी पार्टी को रिपीट नहीं होने देगा। मैं मानता हूं कि वो उनकी वीकनेस है, मगर हम विरोधियों की निर्बलता को हमारी सफलता का आधार नहीं बनाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल में जिस तरह से देश में परिवर्तन का प्रयास किया है और एनडीए की सारी जितनी सरकारें हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने राज्य में जो अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, तो यूपी की जनता बहुत आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को देख रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ओर देख रही है। और मुझे श्रद्धा है कि यूपी की जनता लोकसभा की तरह उससे भी ज्यादा जन समर्थन इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देगी। अमित जी, एक आपका जो वर्किंग स्टाइल है जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, वो ये है, क्योंकि आप हैं तो मैं सवाल पूछता हूं, ये कि आप जब चुनाव में हार हो जाती है उसका आप सार्वजनिक रूप से विश्लेषण कभी नहीं करते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, हार का विश्लेषण आप लोग ही इतना ज्यादा कर देते हो तो मैं देखता रहता हूं। स्वाभाविक रूप से मेरी रणनीति में क्या कमी रही एकदम से मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि मैंने ही रणनीति बनाई है। मैंने बनाई इसका मतलब वो रणनीति सही है ऐसा मैं मानता था, तभी तो मैंने बनाई। तो आप लोगों को सुनकर टीवी देखकर ढूंढता हूं कि क्या गलती हो गई, तो औरों से विश्लेषण कराना ज्यादा ठीक होता है। चलिए, आपने पहले हम लोगों के बारे में कुछ और कहा था, तो इससे हिम्मत पाकर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, तो क्या आपको लगता है जो हम लोग रणनीति के बारे में बात करते हैं उसमें कभी कभी हम सच के आसपास भी होते हैं कि हम लोग अपना एक अलग दुनिया है जहां घूमते हैं सब प्रेस वाले? देखिए, आप इतना पर्सनल मत ले लीजिए दीपांग जी। मेरा कभी कतई ये मानने का कहने का प्रयास नहीं रहा है कि मीडिया जो दिखाता है उसमें कभी सच्चाई नहीं होती। कभी कभार मीडिया अपने विचारों को घटनाओं पर थोपने का प्रयास करता है, वो नहीं करना चाहिए, इतनी ही बात नहीं। एक जो दूसरी बात यह है कि क्या इस पर कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा कि भाई हम चुनाव में जाएं तो एक चेहरा लेकर जाएं, और खासतौर पर ऐसे राज्य में जहां दो चेहरे पहले से मौजूद हैं। एक चेहरा तो उसमें ऐसा है जो विकास की भी बात कर रहा है, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या इस तरह पर कोई, ये कैसे बनती है रणनीति, क्या इसमें क्या प्रोसेस होता है? छोड़िए, अब आप कहां राजनीति सीखेंगे इस उम्र में। आप क्या कह रहे हैं, कोई संभावना नहीं है? देखिए, अभी मेरी पार्टी ने तय नहीं किया है। आप सीधा सवाल, आपके टेढ़े सवाल का मैं सीधा जवाब दे देता हूं। अभी मेरी पार्टी ने तय नहीं किया है कि हम यूपी में चेहरा तय करेंगे या नहीं करेंगे। पंजाब को आप कैसे देखते हैं? पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां मिलीजुली सरकार है, वहां आप उसको कैसे देखते हैं? फिलहाल किस स्थिति में आप पाते हैं आपको पंजाब में? मैं मानता हूं कि कांटे की टक्कर है और हम दमखम के साथ मैदान में हैं। और वहां आपकी टक्कर किससे है? देखिए, बहुत कांटे की टक्कर है, अभी असेसमेंट करना दिक्कत वाली बात है, मगर हमारी टक्कर है तो कांग्रेस पार्टी से। एक ये रंजना कुमारी, डॉक्टर रंजना कुमारी हैं, इनका सवाल है कि मैं देश की महिलाओं के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से पूछना चाहती हूं कि आपने तो महिलाओं को 33% संसद और विधानसभाओं में देने का वादा किया था, उसका क्या आप भी सर्वसम्मति के नाम पर टाल देंगे या अपनी पार्टी के वायदे को पूरा करेंगे? सर्वसम्मति के नाम पर टालने का सवाल नहीं है। बिल विधेयक लाते ही अगर लोकसभा ही न चलने दी जाए तो किस तरह से करेंगे, किस तरह से चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर कमिटेड है और सालों से हमने प्रस्ताव पारित किया। जब जब भी कांग्रेस पार्टी ने भी ये विधेयक को लाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया और दृढ़ता के साथ किया है, और आज भी हम इसके समर्थन में खड़े हैं। आप भी आज उसके लिए उसके समर्थन में खड़े हैं? जी। अमित जी, एक सवाल है कि जो गांधी परिवार है उसके उससे आपके जो रिश्ते हैं वो किसी भी सूरत में मधुर तो कहीं नहीं जा सकते, कटु हैं, क्या ये कहना सही है? अब आप असेसमेंट लगाओ भाई। मैं तो आपसे, मुझे मौका है, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, छोड़िए, ऐसी पर्सनल बातों से कोई मतलब नहीं होता, मगर गांधी परिवार विपक्ष की कांग्रेस पार्टी का प्रमुख परिवार है और उनके नेतृत्व में ही चलती है,
हम तो चाहेंगे कि सकारात्मक मुद्दों में कांग्रेस पार्टी देश के हित में भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करें। क्या कोई संबंध सुधार की कोई कोशिश हो रही है या कुछ बात है ऐसी? मैं पूछना, मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। अगर मैं आखिर में आपसे पूछूं तो आप जिस तरह की आने वाले दिनों में आपको चुनौतियां लगती हैं उस पर आप कहना चाहें तो आप संक्षेप में क्या कहना चाहें? देखिए, चुनौतियां तो खैर आती रहती है, जब फैसले करते हैं तो फैसलों की आलोचना और प्रशंसा दोनों होती रहती हैं, मगर आपने देश के बदलाव के बारे में आज का कार्यक्रम रखा था, मैं कहने चाहता हूं एक महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार आने के बाद हुआ है, जिसको मैं अंत में कहना चाहूंगा कि एक जमाना था सालों तक जब तक हम विपक्ष में रहे हम चर्चा मांगते थे, सत्ताधारी पक्ष चर्चा से भागता था। आज हम ये बदलाव लेकर आए हैं कि हम चर्चा मांगते हैं, विपक्ष चर्चा से भागता है। तो मैं मानता हूं देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। सत्ताधारी पक्ष हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष संसद में चर्चा से भागता है। जी, धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो अपने तरीके से बातों को रखते हैं और आज उन्होंने खुलकर कई बातों का खुलासा भी किया, कई सवाल अगली बार के लिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।